किस चीज का स्लाइड है मैम? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जेजेनम का। जेजेनम का स्लाइड है, ठीक है, देखो। हाँ ठीक है, इसमें सबम्यूकोसा का जो प्रोजेक्शन जा रहा है ऊपर, उसका कुछ नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है प्लीका सर्कुलरिस। और मैम इसको वॉल और कोर्केन वर्क में वॉल करकरी क्यों वॉल क्यों करते हैं इसको? वॉल के लाइक एक्ट करता है और कोर्केन मतलब साइंटिस्ट के नाम दिखने में और साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम चली होता है, इसलिए वॉल लाइक है ना। तो कितना सर्कमफेरेंस घेरता है? 2/3 है ना, 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस घेरता है। अच्छा, तो इसमें जो विलाई है वो किस शेप का रहेगा? इसमें विलाई जेजुना रहता है मैम, वो फिंगर शेप का रहता है। फिंगर शेप का रहता है। और ड्यूओडेनम में कैसा होगा और इलियम में कैसा होगा? ड्यूओडेनम में रहता है टंग शेप और जो इलियम में रहता है वो लीफ शेप का रहता है। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल लेयर जेजुना में कैसा रहेगा, क्या रहेगा बोलो? हिस्टोलॉजिकल लेयर, ऐसा नहीं, फ्रॉम इनसाइड आउट सेरोसा। अच्छा बताओ, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, किसमें विलाई नहीं रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें क्या माइक्रो विलाई? अच्छा, विलाई और माइक्रो विलाई में क्या अंतर है? माइक्रोविलाई वो एक्सटेंशन ऑफ इपिथीलियम होता है मैम। अच्छा। और जो ये म्यूकोसल एक्सटेंशन होता है उसको विलाई कहते हैं मैम। अच्छा। विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को मतलब बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, सिर्फ उसका यही काम करता है। और जो माइक्रोविलाई है उसका एब्जॉर्प्शन के अलावा और भी कोई काम? कोई ऐसा और जगह बता सकते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन और भी कहीं है? पीसीटी में प्रेजेंट होता है। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे मिलता है? किडनी में, वहाँ पे रहता है। वेरी गुड।